गाइज, अगर आप भी अपने YouTube वीडियोस के अंदर के बैकग्राउंड नॉइज से परेशान हैं, तो आज मैं आपको अपनी YouTube वीडियोस के अंदर की बैकग्राउंड नॉइज को कैसे रिमूव करना है ये बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो अच्छी होने के बावजूद उसके अंदर की ऑडियो क्वालिटी बेकार होने की वजह से जो ऑडियंस है हमारी वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं देखते, स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत देख के छोड़ के चले जाते हैं, जिससे कि हमारी वीडियो की रीच गिर जाती है और वो वीडियोज़ व्यूज़ लाना और इवन वायरल होना बंद हो जाता है। सो आज मैं आपको अपनी वीडियो को और भी प्रोफेशनल, यानी कि जो जान होता है, एक तरह से बोले तो जो मेन बेस होता है किसी भी वीडियो का वो ऑडियो ही होता है, तो ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करना यानी कि उसके अंदर से बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करना बताने वाला हूं। सो गाइस, वीडियो के अंदर से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने के लिए यहां पे हम एक एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है ऑडियो लैब। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे मैं इसका लिंक दे दिया हूं। सो वहां से आपको इंस्टॉल कर लेना है, देन आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आप बहुत सारा मल्टीटास्क कर सकते हैं, बट जो काम की चीज है मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें अपने वीडियो के अंदर से जो ऑडियो है उसका जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको रिमूव करना है। सो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको नॉइज रिमूवर का एक ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आपके पास जो आपका ऑडियो फाइल है, अगर पहले से आपके पास ऑडियो फाइल है, तो आप इजिली इस पर क्लिक करके यहाँ पे कोई भी ऑडियो फाइल सेलेक्ट करके उसके अंदर से नॉइज को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है और उसके अंदर से बैकग्राउंड नॉइज निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर है, इस पर क्लिक करके सिंपली आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है और उस वीडियो के अंदर से ऑडियो फाइल को बाहर निकाल लेना है। और फिर जो ऑडियो फाइल आप बाहर निकाले हैं उसके अंदर से जो है आप नॉइज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के अंदर से ऑडियो निकालना नहीं बता रहा, ये काफी इजी है, यहाँ से आप कर सकते हैं। सो वीडियो के अंदर से आप ऑडियो निकाल लेना, फिर ऑडियो निकालने के बाद आपको आ जाना है यहाँ पे नॉइज रिमूवर वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके डिवाइस के अंदर जितने भी ऑडियो फाइल्स होंगे वो आपको नजर आएंगे। सो जो भी आप वीडियो के अंदर से ऑडियो निकाले होंगे वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सपोज यहाँ से मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ इस फाइल के अंदर बहुत सारा नॉइज है, अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। गाइज, ये एक रिकॉर्डिंग का सैंपल है जिसके अंदर आप समझ सकते हैं। गाइज, आपने सुना स्टार्टिंग में ही फैन वगैरह का और कुछ वाइब्रेशन टाइप का साउंड आ रहा है, तो आप ईयरफोन वगैरह लगाएंगे तो ये क्लियर समझ आएगा। सो आपको ऑडियो फाइल को यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको फोर्थ नंबर वाला ऑप्शंस जो यहाँ रिमूव सेलेक्ट नॉइज करके एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ से नॉइज रिडक्शन को जो है 12 dB ही रहने देना है और मल्टीप्लाई इफेक्ट बाय को यहाँ से 4 times कर देना है कुछ इस तरीके से। देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और आपके जो ऑडियो है उसके अंदर से बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव कर देगा। सो बैकग्राउंड नॉइज को रिमूव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। देन आप यहाँ से इसे प्ले करके सुन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसे प्ले करके सुना रहा हूँ, जो ऑडियो मैंने अभी आपको सुनाया था कुछ देर पहले, उसके अंदर से नॉइज रिमूव हो जाने के बाद वो कैसा जो है सुनने में लग रहा है। गाइज, ये एक रिकॉर्डिंग का सैंपल है जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कितना बैकग्राउंड नॉइज है। तो इसी ऑडियो क्लिप का जो बैकग्राउंड नॉइज है मैं रिमूव करके अभी आपको दिखाने वाला हूँ। सुगज, जैसा कि आप सुन सकते हैं ऑडियो के अंदर से जो नॉइज है वो बिल्कुल जा चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मेरी आवाज थोड़ी मोटी लग रही है क्योंकि मैं दूर से ऐसे हॉल वगैरह के अंदर बैठ के रिकॉर्ड किया हूँ। सो वो सिर्फ इको इफेक्ट, थोड़ा सा मोटा आवाज आ रहा है, बट जो बैकग्राउंड नॉइज था फैन वगैरह का वो सब कुछ रिमूव हो चुका है। सो गाइज, होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आप भी अपने YouTube वीडियोस के अंदर से बैकग्राउंड नॉइज को निकाल पाएंगे। सो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलिए मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।